आरोन तहसील के एक विशेष व्यक्ति जिन्होंने कृषि में आरोन में तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया, उनका नाम है चैन सिंह कुशवा जी। हम बात कर रहे हैं ग्राम माता मूड़दा के निवासी की, जिन्होंने 1 एकड़ में जामफल का बगीचा लगाकर 5 साल में 5 लाख की इनकम की है और कृषि विभाग के अधिकारियों के सानिध्य में यह बगीचा लगाया है। सरकारी सहायता राशि प्राप्त कर आज खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। कोई ये कहाँ से प्रेरणा मिलेगी फसल और वह सब्जी वगैरह जामफल वगैरह की? ये अपने शासन द्वारा है ना, अपने केवी के आरोन गुना जिले के आरोन में बना हुआ है, इससे बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। और दूसरी अपनी उद्यान की विभाग है, उसमें अपने वरिष्ठ अधिकारी जी परमार साहब जी सैनी जी द्वारा ये लगाया गया था। परमार जी के मार्गदर्शन में सुमिता मिश्रा जी ने भी जो है मार्गदर्शन इसमें दिया, अपने केवी की वो डॉक्टर है। आपने क्या क्या फसल लगाई है, सब्जी वगैरह कौन कौन सी लगाई है? सब्जी में तो अभी मौसमी सभी फल लगाए होते हैं, मटर है, टमाटर है, अपनी ये अपनी तोरई है, अभी तोरई भी है, भट्टे हैं, गेंदे की कुछ फूल भी हैं, सजना लगा हुआ है, सहजन, मेथी, पालक, धनिया, लहसुन, प्याज, पपीते की खेती भी है। आप इस खेती बाड़ी से खुश हैं? बहुत खुश। कई कई किसान कहते हैं कि हम किसान खेती करके बहुत परेशान हैं और हमें जीविका के लिए भी पैसे नहीं उपलब्ध नहीं हो पाते नहीं, हैं। वो गलत बताते हैं, वो खेती को खेती की तरह से नहीं करते हैं। खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए खेती को हमको बिजनेस मानना पड़ेगी। जिस प्रकार एक व्यक्ति दुकान पर समय देता है सुबह 8 से शाम को 8 तक, उससे बेनिफिट होता है, उसी प्रकार हम खेत पे यदि समय देंगे एक ड्यूटी की तरह तो निश्चित ये लाभ का धंधा बनेगी। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो ये बात रखी है कि वो खेती को लाभ का धंधा बनाना चाहते हैं, तो किसान उसमें सहयोगी बने, वो मेहनत करे और लाभ का धंधा बनेगी। और वो तो 2 गुनी की कह रहा है, ये 4 गुनी और 5 गुनी तक आए किसान इससे कमा सकता है, इसमें